गुजरात के आतंकी रोधी दस्ते ने भारतीय नौसेना और स्वापक नियंत्रण ब्यूरो यानी कि एनसीबी के साथ मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के साथ अरब सागर में एक संयुक्त अभियान चलाया। इस दौरान एक ईरानी नौका को रोककर उसके चालक दल के 5 सदस्यों को हिरासत में लिया गया। बताते चले कि अधिकारियों को संदेह है कि ये लोग ईरान या पाकिस्तान के नागरिक हो सकते हैं। इनके पास से हजारों करोड़ रुपए की कीमत का 3,300 किलोग्राम से अधिक मादक पदार्थ बरामद किया गया है। संघीय मादक पदार्थ रोधी एजेंसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि एनसीबी और अन्य एजेंसियों ने मादक पदार्थों की तस्करी के एक और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। नौका से गिरफ्तार किए गए 5 लोगों के ईरानी या पाकिस्तानी नागरिक होने पर भी संदेह है। एनसीबी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उनके पास से राष्ट्रीयता का कोई दस्तावेज बरामद नहीं हुआ है। भारतीय नौसेना ने बताया कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ भारतीय नौसेना ने लगभग 3,300 किलोग्राम प्रतिबंधित मादक पदार्थ जब्त किया है। इनमें से 3,089 किलोग्राम चरस, 198 किलोग्राम मेटामफेटामाइन और 25 किलोग्राम मॉर्फिन है। अब तक सबसे अधिक जब्त किया मादक पदार्थ इसे बताया जा रहा है। पकड़ी गई नौका और चालक दल के सदस्यों के साथ साथ प्रतिबंधित पदार्थों को भी भारतीय बंदरगाह पर कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सौंप दिया गया है। बताते चले कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस जब्ती पर पूरी टीम को बधाइयां दी हैं। उन्होंने कहा, पीएम मोदी के नशा मुक्ति भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए हमारी एजेंसियों ने आज देश में मादक पदार्थ की सबसे बड़ी जब्ती करने में सफलता हासिल की है। एनसीबी, नौसेना और गुजरात पुलिस द्वारा किए गए एक संयुक्त अभियान में 3,132 किलोग्राम ड्रग्स की एक विशाल खेप जब्त की गई। यह ऐतिहासिक सफलता हमारे देश को नशा मुक्ति बनाने की हमारी सरकार की अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। इस मौके पर मैं एनसीबी, नौसेना और गुजरात पुलिस को बधाई देता हूं। बताते चले कि भारत की समुद्री सीमा में अब तक की सबसे बड़ी ड्रग की खेप पकड़ी गई है। भारतीय नौसेना ने इंडियन कोस्ट गार्ड और गुजरात ATS के साथ संयुक्त ऑपरेशन में 3100 किलोग्राम ड्रग पकड़ा है। ड्रग की इस बड़ी खेप की बरामदगी गुजरात के पोरबंदर के पास भारतीय समुद्री सीमा में हुई है। इस ड्रग्स की इंटरनेशनल मार्केट वैल्यू बताई जा रही है 2000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा, लेकिन जखीरे के लिहाज से अब तक का सबसे बड़ा ड्रग कंसाइनमेंट है। जहाज की जांच पड़ताल करने पर जहाज में कुछ और संदिग्ध नहीं पाया गया है, लेकिन पकड़े गए 5 संदिग्ध पाकिस्तानी होने की शंका अभी जताई जा रही है। बता दें कि संयुक्त ऑपरेशन में जो ड्रग पकड़ा गया है, एजेंसियां उसके बारे में पता लगा रही हैं कि इस ड्रग का रिसीवर कौन था और इस ड्रग के पीछे और कितने लोगों का नाम शामिल है। वीडियो डेस्क, amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।